इधर जैसे ही चंटू ने छड़ी घुमाकर जादुई रोशनी नन्ही परी की तरफ फेंकी, नन्ही बिना देर किए पानी के अंदर चली गई, जिससे रोशनी पानी से टकराकर वापस चंटू को ही लग गई और वो देखते ही देखते पत्थर का बन गया। ये! हाथी ने अपनी सूंड से नन्ही परी को कुएं से बाहर निकाला। नन्ही ने पत्थर बने चंटू के हाथ से अपनी छड़ी वापस ली और सबको छड़ी घुमाकर पहले की तरह ठीक कर दिया। और जैसे ही वो चंटू को ठीक करने गई, भेड़िए ने उसे रोक लिया। नहीं नन्ही परी, चंटू को ऐसे ही रहने दो, इसने सबको बहुत परेशान किया है। नहीं नहीं, मैं इस छड़ी का इस्तेमाल किसी को सजा देने के लिए नहीं कर सकती, ये सही नहीं होगा।